जगदीश जबलपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। जी जी फरमाइए। जी सर, सर नमस्कार। जी यादव सर, आपके नुस्खे का, आपके नुस्खे का मैं बहुत बड़ा वो हूँ क्योंकि मेरे साथ बड़ा कारगर हुआ है। मेरे दो तीन ब्लॉकेट थे जो आपने नुस्खे बताए तो बड़ा कारगर हुए। वो हमने ऑपरेशन तो नहीं करा आज तक, मेरे को दर्द नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक उस नुस्खे से सर मेरे को बेटे को थोड़ा सा कहीं कहीं व्हाइट दाग आ रहे, जिसको आप कोड बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए बड़ा डिप्रेशन में रहता बच्चा। तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे सलाह लूं कि कोई नुस्खे हैं क्या सर इस टाइप में। ठीक जी। तो देखिए, जिसको वो पहले तो बहुत मुबारक कि आप ऑपरेशन से बच गए दिल के और आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया। मुझे भी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इसका फीडबैक दिया। देखिए, सफ़ेद दाग का इलाज भी यूनानी में मौजूद है, लेकिन वक्त बहुत लगता है, आप समझ लें। और जो इलाज लेना चाहें लेते रहें, एक इलाज मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक दवा है जिसका नाम है बाबची, लिख लीजिए आप, बाबची होती है एक दवा। दाने होते हैं मेथी के से, दाने होते हैं और खुशबू में मेथी से भी ज़्यादा खुशबू उसमें होती है। देखने में काले काले से होते हैं, ऐसे रगड़ दो तो कालापन हट जाता है और थोड़े ब्राउन से हो जाते हैं। बाबची, याद देखिए, बाबची। बाबची के दो दाने सुबह चबा के खाने हैं और दो दाने शाम को, रोज़ाना इस बच्चे को, और हर महीने फीडबैक देना है। हमसे कॉल नहीं मिल पाती अक्सर, तो हमारे डॉक्टर्स को बताना कि ये मैंने बताया था तो क्या रिज़ल्ट आया, कितना फ़ायदा हुआ। फिर वो डॉक्टर आपको आगे की गाइडलाइन बताते रहेंगे जैसे जैसे फ़ायदा हो। बहुत सब्र वाला इलाज है, साल भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन यूनानी में इसका इलाज मौजूद है। तो देखिए, यूनानी में इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। आपके बेटे की जो परेशानी है वो ज़रूर दूर हो जाएगी, लेकिन बातों का ख्याल रखिएगा। जो उपचार अभी यहाँ पे आपको हकीम साहब ने बताए हैं वो आज से ही करना आप शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे काबिल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में आप बात कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ विमलेश हैं आगरा से, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है आपका संपर्क हमसे टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। परेशान बिल्कुल मत होइए दर्शकों। देखिए, आप परेशान होंगे तो कोई भी समाधान नहीं निकल पाएगा। धैर्य रखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉल ट्राई करते रहिए, आपकी बात ज़रूर हकीम साहब से हो जाएगी, क्योंकि अपना कीमती वक्त वो निकाल के यहाँ पे आए हैं। वो यही चाहते हैं कि आप लोग देसी नुस्खे अपनाएं, आप यूनानी पद्धति से जुड़ें और आप अपने आप को समझ पाएं। आप ये समझ जाएं कि अब हमें अपने शरीर से हर एक रोग को दूर करना है। तो जुड़िए इस कार्यक्रम, कार्यक्रम चल रहा है, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी नाम बताइए। मुरलीधर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जोधपुर राजस्थान। सवाल कीजिए। सवाल ये मैडम, मेरे जो अभी क्या 4-5 दिन से चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया, बोले पैरालिसिस का अटैक है जी, तो उसकी कोई दवाई बताइए। क्या बताया डॉक्टर ने? पैरालिसिस का अटैक है। नहीं, देखिए, हमें एक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी। और वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल कहते हैं हमारे गर्दन के यहाँ पर एक नर्व दबती है जिससे हमें चक्कर आते हैं, और या सर में दर्द होता है या मोंढे में दर्द होता है। तो इसके लिए दवा कुछ नहीं, एक आप मेरी चाहें तो मेरी वीडियो बना लें और उस पर अमल करें, और जब आप अमल करेंगे तो आज से 10 दिन बाद आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ठीक हो गए, लेकिन आप महीनों ये एक्सरसाइज करना ताकि फिर नहीं हो। देखिए, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह और मोंढे आपके वहीं रहें और कान ऐसे मिलाने की कोशिश करिए, ऐसे ये अभी से शुरू कर दीजिए, और जितना भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे इतना ही अच्छा, एक एक मिनट करके दिन में 4-5 बार कर लिया करिए। एक तो ये एक्सरसाइज और एक ये ऐसे
बहुत जोर से मोड़िए, यहाँ तक ले जाइए और यहीं देखिए, ये भी दिन में 4-5 मिनट करिए। ठीक 8वें 10वें दिन आपको इतनी खुशी होगी कि जो रोग समझ में ही नहीं आता था उस रोग का निदान भी हो गया। इसे मेरी नज़र में सर्वाइकल कहते हैं। अभी से शुरू करिए और मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, इनके लिए कोई दवाई भी हो सकती है? हाँ देखिए, वैसे तो इससे ठीक हो जाएगा, नहीं तो नर्व को ताकत बख्शने वाली दवाइयाँ आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हैं सुमन, मुंबई से हमारे साथ स्वागत है सुमन आपका। डॉक्टर जी नमस्कार। जी आदाब सुमन जी। हाँ डॉक्टर, मुझे भी ना ऐसा गर्दन में दर्द रहता है हमेशा, और गर्दन से ऐसा मोटे में से दर्द निकलता है, और कभी कभी ऐसा चक्कर भी आता है। क्या सर्वाइकल है क्या क्या है समझ नहीं लगता मुझे क्या होता है। और बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन किया, और आपने मेरी एक्सरसाइज भी देख ली। वैसे एक्सरसाइज करिए, और देखिए एक और भी एक्सरसाइज है वो भी देख लीजिए। वो एक्सरसाइज तो आपने सीख ली होगी जो मैंने फिजियोथेरेपी बताई है, आप आज से ही शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो गया। और एक एक्सरसाइज ये है, देखिए जैसे ये बोतल है, ये आप हैं, और ऐसे बेड पर लेटना है, गर्दन इसको ऐसे डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे बेड के नीचे जिस तरफ पैर करते हैं उस तरफ लेटिए सीधा, और ऐसे डाल दीजिए, ऐसे गर्दन आपकी पड़ी रहे और ऐसे बिल्कुल, और ये जो पूरा शरीर है वो आपका बेड पर रहे और गर्दन नीचे की तरफ, ऐसे 5-5 मिनट लेटा करिए, बहुत मज़ा आता है। और दिन में 4-5 बार लेट सकते हैं आप, ये एक्सरसाइज भी किया करिए, और आपको भी वही 8-10 दिन में आपका ये रोग जाता रहेगा, लेकिन महीनों करिए। ये मर्ज इतना चल रहा है हर घर में, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई आंखें टेस्ट करा देता है, कोई दिमाग टेस्ट करा देता है, लेकिन ये रोग सर्वाइकल है, यहाँ रगें दबती हैं, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं गुलफाम, अमरावती से हमारे साथ स्वागत है आपका। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम। हकीम साहब, मेरे मम्मी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है पिछले 5 से 6 सालों से, उनका काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह करवा लिया है लेकिन कुछ उसमें खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उनका ऐसा हो गया है कि हर वीक तकरीबन उनका सर दर्द होता ही है, और वो तकरीबन 2 से 3 दिन तक चलता है। उनकी एज 53 है। अच्छा, ये एक्सरसाइज देख रहे थे आप जो मैं बता रहा था? जी जी जी। ये वालदा को ज़रूर कराइए, और ये और बताइए कि उम्र कितनी है और कौन सी दवा लेने से उनका दर्द ठीक होता है। सर वो एलोपैथी लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं एलोपैथी। अच्छा, देखिए अगर नॉर्मल एलोपैथी पेन किलर से उनका दर्द ठीक होता है, ये पहचान है। नॉर्मल कोई भी गोली देते हैं आप पेन किलर, और उससे उनका दर्द ठीक होता है, तो समझ लीजिए उनको माइग्रेन नहीं है। हर दर्द को माइग्रेन कहना अच्छा नहीं, माइग्रेन की तो ऐसी दवाइयाँ आती हैं कि आदमी को एक एक दो दो दिन बेहोशी हो जाती है, इतनी तेज़ दवाइयाँ आती हैं। अगर नॉर्मल किसी भी पेन किलर से किसी का माइग्रेन ठीक हो जाता है तो माइग्रेन नहीं बल्कि सर्वाइकल होता है, और सर्वाइकल में जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वो बेस्ट है। वालदा को मेरी तरफ से सलाम कहिए और ये एक्सरसाइज सिखा दीजिए, और आप देखेंगे कि 8-10 दिन में आपकी वालदा बिल्कुल ठीक हो गई। और नर्व के ताकत बख्शने के लिए गोंद स्याह नाम से एक गोंद आता है, वो 10-12 रुपए रोज़ का 1 ग्राम आता है, काला गोंद, कड़वा होता है बहुत, नर्व की ताकत जोड़ों की ताकत के लिए अच्छा है, 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, और उसकी चने या मटरा के बराबर गोलियाँ बनाएं, एक सुबह एक शाम दे। मुझे उम्मीद है आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, विमलेश दीक्षित बोल रही हूँ आगरा से। जी विमलेश बताइए। जी मैडम, ऐसा है कि मेरी एक तो ये बायां हाथ है ना, उसमें दर्द सा रहता है, और जो सिर है ना बीच चांद पे, जैसे चांद बोलते हैं जो, उसमें भारीपन रहता है मैडम। विमलेश जी एज भी बता दीजिए अपनी। एज मेरी 50, वो 65 है, 63 समझो। ठीक है, तो देखिए अच्छा है कि वैसे ही कॉल आ रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूँ बार बार, और
वो एक्सरसाइज आप देख रहे थे, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। विमलेश जी, अगर आप एक्सरसाइज देख रहे थे तो मैं, अगर नहीं देख रहे थे तो अभी खोला चैनल तो मैं दोबारा बताता हूँ। और वो एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज ये है, ऐसे सीधा बैठना है बिल्कुल, और नॉर्मली अपना कान ऐसे 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 करते रहना है। दिन भर करिए जितनी फुर्सत मिले, दो चार मिनट रोज़ाना होना चाहिए ये। और एक ये ऐसे 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 खूब ज़ोर से यहाँ तक ले आइए यूँ, और यहाँ देखिए ये एक्सरसाइज दो चार मिनट जितना भी कर सकते हैं आप करना शुरू कर दीजिए। और जो हाथ में तकलीफ है उस हाथ से मेहनत का काम ना करें। और गोंद, स्याह एक गोंद आता है, नकली बहुत मिलता है, असली लेना। गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये इंतहाई कड़वा होता है लेकिन फ़ायदे में उतना ही तेज़ होता है। इसका आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसा आपको आसानी हो, जैसे आपके हालात हो। कुछ लोग, गरीब आदमी, पानी से भी ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको देखते देखते आपकी तबीयत अच्छी होने लगी, और इससे पुराने से पुराने दर्द चले जाते हैं। अगर 10-20 साल पुराना भी दर्द हो तो मैंने देखा कि लोगों को फ़ायदा पहुंचा। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं बानू जोधपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी जी, सवाल कीजिए अपना। बानू नाम है मैडम, लेडीज मेरे मिसेज है, उनको नींद नहीं आती है रात को। किसके बारे में जानना चाहते हैं? समझ गए, मेरे मिसेज के बारे में। ठीक है, एज बता दीजिए उनकी। उनकी एज है करीब 58 साल। हाँ, देखिए मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, गालिब ने कहा था, तो बहुत आसान एक नुस्खा है, और वो ये है कि रात के वक्त जैतून का सिरका मिल जाए आपको कहीं, ज़रा मुश्किल से मिलता है, 3 चम्मच पानी में, 1 गिलास पानी में मिलाएं, छोटे चाय के चम्मच, और अपनी अहलिया को पिला दें। उसी दिन से आपको गफलत की नींद आएगी और फिकरात भी दूर होंगे। ये बहुत मुसक्किन है, सुकून देने वाला है, और आप ये शुरू करें और 1 महीने तक दें। हालांकि फ़ायदा तो ऐसा लगेगा पहले ही दिन से हो गया, लेकिन 1 महीने तक दें तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं मीना सहारनपुर से हमारे साथ, स्वागत है मीना आपका। हाँ जी जी, सवाल कीजिए। हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी। ऐसा है, हमारी हमारी बेटी है, उसको एलर्जी है बहुत। किस टाइप की? ब्रिक ब्रिक दाने से है, जैसे बाजू पे है, पेट पे है, टांगों पे है। कितनी बड़ी बच्ची है? मतलब बच्ची है 15-16 साल की। ठीक है, फिक्र मत करिए। हाँ देखिए, जिनको एलर्जी, दाने निकलते हैं जिस्म पे, खुजली सी होती है, ददौड़े निकलते हैं, ऐसे लाल लाल चकत्ते निकलते हैं, उन सब के लिए एक आसान इलाज है अलसी। जानते हैं आप, अलसी ले लीजिए 100-200 ग्राम, साफ़ करिए, कंकर भी निकलते हैं, हल्का सा भून के इसका पाउडर बना लें, और आधा चम्मच से 1 चम्मच तक खाएं रोज़ाना। इसमें आधी चुटकी, ये चुटकी है देखिए, आधी चुटकी इसमें खाने वाला सोडा मिला लें। वैसे तो एक ही खुराक लिया करें तो उससे ही ठीक हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, वरना 2 बार भी ले सकते हैं दिन में, और आप देखेंगे कि चंद रोज़ या चंद हफ्ते इन्होंने खाई तो आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो चंद हफ्तों में ही आपकी बच्ची बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। बस ये उपचार आप अपना लीजिएगा जो अभी आपको हकीम साहब ने दर्श को यहाँ पे बताए हैं। देखिए, आप लोगों से तभी तो कहा जाता है कि इस कार्यक्रम से जुड़िए, हमारे मंच से जुड़िए, जहाँ पे आप लोग इतने ज़्यादा डॉक्टर्स के तो चक्कर लगा ही चुके हैं, इतना सारा इलाज भी कर चुके हैं, तो एक बार देसी नुस्खा क्यों नहीं अपनाना चाहिए, और वो ऐसा नुस्खा जो आप लोगों को कोई भी रोग नहीं होने देगा, आप लोगों को रोग मुक्त बनाएगा। क्योंकि आपको कोई रोग हो गया है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो सीधे सीधे जड़ पे जाके काम करते हैं देसी नुस्खे दर्श को। वक्त आपको लगेगा,
थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे रुकना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, इंतज़ार करना होगा, लेकिन आप खुद एक बेहतरीन रिजल्ट अपने सामने देखेंगे। तो जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से, बस आप लोगों को फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।